चलिए आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 9 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें, कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब बाय मी, भारतीय सभ्यता जो व्याख्या मैंने की है या भारतीय सभ्यता की व्याख्या जो मेरे द्वारा की गई हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, वैसे ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, यानी जो उस सभ्यता में विश्वास करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि विश्व के किसी भी हिस्से में एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, मैंने कह रहा है विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कह रहा है कि विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सबों में पूर्णता प्राप्त हो, मैंने सभी ने पूर्णता प्राप्त किया हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की सोच इज मतलब है, यानी भारतीय सभ्यता की सोच है टू इलेवेट्स द मोरल बीइंग, कि वह नैतिकता को उठाए, यानी भारतीय सभ्यता की यह प्रवृत्ति रही है, मैंने कह रहा है कि नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। दैट ऑफ द वेस्टर्न That of the Western civilization is to propagate immorality, जबकि पश्चिम के पास की जो सभ्यता है उसकी यह प्रवृत्ति रही है कि वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। पास्ट यानी पश्चिम की सभ्यता का यह प्रवृत्ति रहा है कि वो क्या करता है कि अनैतिकता को बढ़ावा देता है। कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस, यानी यहां जिस बात में बताया गया है दो सभ्यता के बारे में, एक पहले सभ्यता के बारे में जो भारतीय सभ्यता है और एक बाद वाली जो सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता है, तो यहां लेटर का मतलब है बाद वाली सभ्यता यानी पश्चिमी। ये लेटर किसके लिए आया है? पश्चिमी सभ्यता के लिए। तो कह रहा है कि द लेटर इज गॉडलेस, पश्चिमी जो सभ्यता है वह गॉडलेस है यानी नास्तिक है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, जबकि पहले वाली जो सभ्यता है यानी भारतीय जो सभ्यता है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसी समझ और विश्वास के कारण इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, कह रहा है कि इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैंने भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से उसी तरह जुड़ा जुड़ाना जरूरी है, मैंने उसी तरह जुड़ा रहना जरूरी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिप चिपका रहता है। क्लियर हुआ? आइए
अब मैं चलता हूं पैराग्राफ नंबर 9 के तरफ, 9 तो खत्म हुआ सॉरी 10 के तरफ। पैराग्राफ नंबर 10 क्या कहता है ध्यान दीजिए, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। यहां कह रहे हैं गांधी जी कि मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट। कह रहे हैं कि मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, मैं पश्चिम का आभारी हूं, फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कह रहे हैं कि मैं पश्चिम का आभारी हूं क्योंकि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आगे कह रहे हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। कह रहे हैं यहां महात्मा गांधी कि मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति, बल्कि मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि उससे मुझे यह उसने मुझे सिखाया, यानी वहां की जो साहित्य है उसने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी बताना चाह रहे हैं कि मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि उसने मुझे यह सिखाया कि यदि मैं भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना, माने हमें यदि भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है, सफलता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है, तो मैं अपने देशवासियों से, मैं अपने भारतवासियों यानी भारत की जनता से खुले दिल से कहना चाहूंगा, खुले दिल से कहना चाहूंगा कि वर्षों की आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर मैंने यह सीखा है, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक पाठ पढ़ा है, यानी जो आधुनिक सभ्यता का मेरे पास जो अनुभव है उससे मैंने यह चीज सीखा है कि एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल एट ऑल कॉस्ट, कि हमें किसी भी हाल पर, किसी भी कीमत पर उससे दूर रहना चाहिए, यानी पश्चिम की सभ्यता, पश्चिम के साहित्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और वहां से सीखने को मुझे मिला है कि वहां के सभ्यता से हमें दूर रहना है। अगर हम दूर नहीं होते हैं तो दिक्कत होगी, हमारी सभ्यता खत्म होगी, नष्ट होगी। चलिए आगे आते हैं पैराग्राफ नंबर 11 के तरफ। पैराग्राफ नंबर 11 क्या कह रहा है, वाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल। कह रहा है कि यह भौतिकता की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यह हमारे अंदर की पशुवता की पूजा है, यानी हमारे अंदर जो पशुवता है उसकी पूजा है। इट इज अल्ट्रेटेड मेटरिज्म।
कह रहा है कि यह पूर्णता भौतिकवाद है, यह पूर्णता भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रिम ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन। यानी कह रहा है कि यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। हर कदम कह रहा है कि यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। तो यह था आपका पैराग्राफ नंबर 11। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ, और 12 क्या कहता है ध्यान से देखते हैं। कह रहा है It is perhaps unnecessary if not unless to weigh the merit of the two civilizations। कह रहा है कि दो सभ्यताओं के दोषों तथा गुणों, यानी दो सभ्यताओं के गुण तथा दोषों की तुलना करना यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूरत जरूरी है। तो अनावश्यक क्या है? जरूरी है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। राइटर यहां कहता है, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि यह सही है कि पश्चिम ने वैसे ही सभ्यता विकसित की है जो उनके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। कह रहे हैं कि पश्चिम ने वैसे ही सभ्यता को विकसित किया है जो उनके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है, यानी वातावरण के अनुकूल है। एंड और सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, सिमिलरली मतलब ठीक उसी प्रकार, जिसने उस तरह से मैंने अपने सभ्यता को विकसित किया है ठीक उसी तरह से वी हैव अ सिविलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार से यानी उसी तरह से हमारी सभ्यता, आवर कंडीशन, सुटेड टू आवर कंडीशन एंड बोथ सुटेड टू आवर कंडीशन, पहले यहां तक देखिए कोमा है, कह रहा है कि वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, यानी बताना ये चाह रहे हैं कि ठीक उसी तरह हमारे मैंने सभ्यता, हमारे पास भी सभ्यता है जो हमारे हमारे कंडीशन पर है, हमारे परिवेश के अनुसार है, हमारे भी परिवेश के अनुसार है, हमारे स्थिति के अनुसार है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक हैं, और दोनों ही सभ्यताएं अपने परिवेश के अनुसार ठीक हैं। क्लियर? यानी पश्चिम ने एक सभ्यता को विकसित किया है जो अपने जलवायु और अपने वातावरण के अनुसार किया है, भारत के पास भी एक सभ्यता है जो उसी तरह है, जो अपने कंडीशन के अनुसार इसको बनाया है, और दोनों ही सभ्यताएं अपने अब जगह पर उचित है यानी ठीक है। चलिए पैराग्राफ नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। करें कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट
मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है कि उसमें मानव इच्छा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, माने उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहती है, यानी मानव की इच्छा लगातार उसमें बढ़ता रहता है। यानी आधुनिक जो सभ्यता है उसमें मानव की जो इच्छाएं हैं वो क्या होती हैं, लगातार उत्तरोत्तर मन बढ़ती रहती हैं। आगे कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। जबकि प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता है कि इसमें चाहतों पर नियंत्रण की बात कही गई है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेस्टिबलेसनेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। आगे कभी कहते हैं, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है। आधुनिक असंतोष पैदा होता है द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम अ बिलीव ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिविनिटी पावर। जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश करने की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा होता है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 13 यानी 13। पैराग्राफ नंबर 14। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रेसिस्ट। कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागलपन हैं, कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। यानी आधुनिक जो आविष्कार हैं, इन्वेंशन है बाबू, इतने पागलपन हैं कि उन्हें रेसिस्ट नहीं किया जा सकता, यानी सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन I have no manner of doubt that the victory of man lies in resistance. लेकिन मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। We are in danger of bettering
अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। यहां महात्मा गांधी बड़ी मस्त बात कहे, इसको अंडरलाइन भी कर लेना आप लोग, इस पूरे लाइन को पूछेगा आपसे लाइन को, या तो कहेगा कि डिफाइन इसको एक्सप्लेन कीजिए, या पूछेगा ये लाइन लिया कहां से गया है। कह रहे हैं कि हम वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं। कैसे खतरे में हैं? तो बेटरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, यानी हम अस्थाई सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में हैं। कवि राइटर जो है महात्मा गांधी हमें समझाते हैं कि आज हम एक तरह के खतरे में हैं कि जो हमारा परमानेंट सुख था उस सुख को हम अब खतरे माने क्या बदल दिए हैं, मोमेंटरी यानी थोड़े देर के लिए सुख में बदल दिए हैं। क्लियर है? और ये सब प्रभाव किसका है? तो सब आधुनिक सभ्यता की देन है। आधुनिक